हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू किचन एंड गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ समर वेजिटेबल की। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि समर में क्या क्या वेजिटेबल आपको टेरेस पे लगाना चाहिए, और मैं कैरेट की भी आज हार्वेस्टिंग करूँगी, जिसकी वीडियो में आप लोग से शेयर की थी, जिसकी सीडलिंग की वीडियो, और उसमें हमारे से क्या गलती हुई उसमें आपको भी ये बताऊँगी। उस वीडियो में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारे वेजिटेबल भी मैं आज हार्वेस्ट करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे टेरेस गार्डन में क्या क्या वेजिटेबल और फ्रूट्स बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं, और क्या क्या मैं लगा रखी हूँ उसके सारे अपडेट्स मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इसमें मैंने जिसमें फूलगोभी लगाई थी, तो उसके बाद जब से मैं फूलगोभी की हार्वेस्टिंग की हूँ, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर के बहुत सारे, मतलब 3 से 4 मैं इसमें पौधे को ट्रांसप्लांट की थी। तो अभी देख सकते हो इसमें बहुत सारे टमाटोज आए हुए हैं, बट अभी सारे ग्रीन हैं, और तो इसमें अभी तो पके हुए नहीं हैं। दूसरा हमारा टमाटोज प्लांट है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं। इसमें टमाटोज आप देख सकते हो पूरा येलो ये यहाँ पर हो चुका है, प्लस कुछ कुछ तो रेड भी होना शुरू हो गए हैं। तो मैं इन सबको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से इसको दसे कट कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे सारे अपने घर के जो वेस्ट प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसका यूज करती हूँ, प्लस मैं कुछ कुछ पॉट्स का भी यूज की हूँ यहाँ पे। तो ये सब भी टोमेटोज देखिए, ये वाला पक जाएगा कुछ दिन में, तो इसे भी मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और भी है इधर, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग मस्ट है वाटर डालना समर के समय में। और अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अंजीर, और ये देखिए हमारा कितना बड़ा हो चुका है हमारा अंजीर प्लांट। अभी देखिए इसमें बहुत सारे अंजीर आए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अभी देखिए इसके न्यू ब्रांचेज यहाँ से आना शुरू हुए हैं, देखिए इसमें छोटे छोटे अंजीर आना स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो मैं आपको सबको दिखाऊँगी, और अगर आप इसकी केयर के बारे में जानना चाह रहे हो, उसके लगाने का तरीका कैसे क्या, कुछ भी इसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और ये हमारा प्लांट है, अभी इसका 1 ईयर भी नहीं हुआ है मुझे लगाए हुए अपने घर पर, और आप देख सकते हो इसमें फ्रूटिंग कितना हो रखी है, बहुत सारे अंजीर आए हुए हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग करूँगी यहाँ पे। अभी यहाँ मैं देखिए चिलीज का भी कर लेती हूँ, कुछ हमारे चिलीज है। ये हमारा लास्ट ईयर जो मैं चिलीज लगाई थी अपने टेरेस में फ्रेंड्स, उसी का एक प्लांट को मैं छोड़ रखी थी पॉट के अंदर जो था, तो उसमें देखिए चिलीज आए हुए हैं, बहुत सारे आए हैं, इधर भी है। तो इसमें मैं सारे चिलीज को हार्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं। और नेक्स्ट है, तो अभी ये सब सारे आप समर में चिलीज प्लांट लगा सकते हो। दूसरा हमारा यहाँ पे है छोटी वाली, ये देखिए झींगी जो बंच में आती है, आप देख सकते हो बंच में आए हुए फ्रेंड्स। तो ये सब समर वेजिटेबल्स हैं, इसे आप अभी भी लगा सकते हो, मार्च तक आप इसे अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ये मार्च का महीना है, लास्ट है आपका इसमें अच्छे से सीडलिंग कर ले तो अच्छी फ्रूटिंग इसमें आएगी। ये भी काफ़ी छोटी है, देखिए लास्ट टाइम मैं इसकी सीड्स में घर में ही तैयार की थी, और उसके थ्रू हमें ये मिला है, तो मैं इसकी सीडलिंग कर दी थी। देखिए ओवर वाटरिंग करने से इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं इसके फ्रूट्स। मैं 2 प्लांट इसमें ट्रांसफ़र की हूँ, अब देख सकते हो पौधे हमारे कितने छोटे हैं देखिए। और एक हमारा ये देखिए 2 प्लांट में लगाई थी, एक देखिए दूसरा प्लांट, कितना तो साइज़ इसकी प्लांट का, अब देखिए फ्रेंड्स कितना छोटा है और इसमें फ्रूटिंग हो रखी है। मैं इसके पहले भी एक बार इसकी हार्वेस्टिंग की हूँ, अरे देखिए इतना बड़ा इसमें आया हुआ है। और भी मैं दिखा रही हूँ, इधर भी है छोटे छोटे, ये भी हो गए हैं, तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। ये बंच में आते हैं फ्रेंड्स, चलिए। तो यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो मैं इसमें ऑनियन के छिलके डायरेक्ट डालती हूँ, बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आप इसे फेंके ना। और ऑनियन फर्टिलाइज़र के बारे में आप जानना चाह रहे हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और इधर बेलपत्र वगैरह है, अभी देखिए हमारा बेलपत्र कितना अच्छा आया है। और यहाँ हमारा देखिए करेले का मैं प्लांट लगा रखी हूँ, अभी छोटा है इसका बेल, बहुत छोटी अभी है। चीकू प्लांट फ्रेंड्स,
तो अभी देख सकते हो इसमें छोटे छोटे चीकू जाना शुरू हुए हैं। ये भी हमारा प्लांट अभी इसका 1 ईयर नहीं हुआ है फ्रेंड्स, जुलाई में मुझे ये गिफ्ट में मिला था, तो अभी इसका 1 ईयर नहीं हुआ है। देख सकते हो छोटे छोटे चीकू जा रहे हैं। गुआवा प्लांट तो आप देख सकते हो फ्रेंड, छोटे से हमारे गुआवा के प्लांट है, और ये देखिए कितने छोटे छोटे इसमें गुआवा आ भी गए हैं। अभी मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी। और देखिए नीचे में भी है बहुत सारे, मैं दिखा रही हूँ, नीचे में भी देखिए गुआवा है। देखिए इस तरीके राइस की पैकेट में मैं इसे लगाई हूँ, आप देख सकते हो बहुत सारे गुआवा आए हुए हैं। जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो आप लोग से ज़रूर इसकी वीडियो शेयर करूँगी, और मतलब कुछ जिस जो भी मैं प्लांट आप सबको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, उसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके अंदर क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट के द्वारा पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर से दूँगी। और नेक्स्ट हमारा देखिए ड्रैगन फ्रूट, आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया हमारा ड्रैगन, देखिए कितना बड़ा हो चुका है। तो अभी इसमें टाइम लगेगा फ्रूट्स आने में, और इसे समर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी समर का समय है तो बहुत अच्छे से ये ग्रो होगा। और नेक्स्ट हमारा देखिए लेमन प्लांट है, तो हमारा देखिए 3 लेमन अभी बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं, और आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, देखिए इसमें फ्रूटिंग भी होना फिर से शुरू हो चुका है। देखिए फ्लावर है ये लेमन का, और इधर भी है, देखिए इधर भी मैं दिखा रही हूँ आपको बहुत सारे, तो ये सारे हमारे लेमन रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसे हार्वेस्ट कर ली हूँ। देखिए और भी हैं, 3 लेमन है और भी मैं पहले इससे हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, ये भी बिल्कुल रेडी हो गया है। एक इधर है हमारा लेमन, तो ये तो थे फ्रेंड्स हमारा लेमन प्लांट। अब नेक्स्ट मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड्स पम्पकिन, तो ये देखिए मैं इस तरीके से अपनी मैं खुद से जो ग्रोइंग बैग बनाई थी फ्रेंड्स उसी में मैं लगाई हूँ। ये देखिए पम्पकिन हमारा बिल्कुल छोटी वाली ये पम्पकिन है फ्रेंड्स, अभी देखिए ये आई थिंक रेडी हो चुकी है। मुझे मैं फ़र्स्ट टाइम अपने टेरिस गार्डन में पम्पकिन लगाई हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि अभी रेडी हुआ है कि नहीं, तो देखती हूँ मैं इसे 1-2 दिन और छोड़कर, अभी नहीं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। मैं आप सबको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो इसकी छोटी सी बेल है, और अभी देखिए दूसरा पम्पकिन भी हमारा आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो छोटा सा पम्पकिन है इधर, तो अभी छोटी सी में इसकी अच्छी ग्रोथ चल रही है, इसे मैं बाद में हार्वेस्ट करूँगी 1-2 दिन बाद ही। और नेक्स्ट है हमारा इधर अनियन, तो ये देखिए मैं बेकार के इस तरीके से ग्रोइंग बैग जो बनाई थी बेकार प्लास्टिक बैग से, तो इसमें मैं लगा दी थी अनियन की, तो इसे भी मैं आज हार्वेस्ट करूँगी क्योंकि ये ड्राई होना शुरू हो चुका है। ये बहुत ही जब आप अनियन यूज करते हो ना फ्रेंड्स, उसमें 1-2 अनियन आपके जो ख़राब हो गए हैं या जो भी, तो आप इस तरीके से आप मिट्टी के अंदर डाल दोगे तो बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको इस तरीके से इसकी स्प्रिंग ऑनियन आपको मिल जाएगा, जिसके पकोड़े कुछ भी आप सब्ज़ी में भी डाल सकते हो, नूडल्स में डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ये ग्रेप्स प्लांट, आप जैसा कि देख सकते हो फ्रेंड्स मैं इसे ट्रांसफ़र कर दी हूँ दूसरे पॉट में, क्योंकि वो काफ़ी छोटी पड़ जा रही थी, इस वजह से मैं इसे बड़े से मैं ये पॉट में इसे ट्रांसफ़र की हूँ। तो अभी देखिए जस्ट मैं 15 डेज पहले ही इसे ट्रांसफ़र की हूँ, और देख सकती हूँ इसमें फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो रहा है, ग्रेप्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी देखती हूँ क्योंकि इसकी मैं कटिंग भी कर दी थी, अभी देखिए छोटे छोटे यहाँ से देखिए कटिंग की हूँ, तो अच्छी ज़्यादा इसकी ग्रोथ अभी नहीं है, जितने अभी इसकी ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्रूट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। ये है हमारे लीफी वेजिटेबल्स, साग बोलते हैं हम लोग इसे, बहुत ही हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है फ्रेंड्स, तो इसे मैं अभी देखिए हल्की से अभी गर्मी में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये सारे समर वेजिटेबल है या विंटर वेजिटेबल, दोनों सीज़न में इसे लगा सकते हो ये सारे वेजिटेबल, सिर्फ जो मैं छोटी वाली झींगी बताई उसे आप समर में ही लगाएं। अभी देखिए इस तरीके से आप हार्वेस्ट कर ले, क्योंकि इसके लीव्स तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और इसी समर में एक बात का ध्यान देना है फ्रेंड्स कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ना रखें, नहीं तो उसके क्या होते हैं लीफ ख़राब हो जाते हैं डायरेक्ट सनलाइट में रखने की वजह से। अब
हार्वेस्ट कर ली हूँ एकदम बिल्कुल प्योर। तो फ्रेंड्स ये हमारा कैरोट जिसकी सीडलिंग की थी मैं विद कंपोस्ट के साथ, मैं नीचे में कंपोस्ट रेडी करने के लिए मैं इसमें सारा सेटअप की थी और ऊपर से मैं सॉइल डालकर इसकी कैरोट की सीडलिंग की थी। तो फ्रेंड्स उस समय मैंने आपको बताया था कि 1 मंथ वाले ही प्लांट लगाएं, बट ऐसा कुछ नहीं है आप, क्योंकि कैरोट को रेडी होने में 2 से 2.5 महीने का समय लगता है तभी वो रेडी होता है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए हमारे कैरेट जो प्रिपेयर हो रहे हैं वो, उसको मैं इसमें कुछ मैं पहले भी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, जानने का तरीका है कि कौन सा रेडी हो चुका। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये ऊपर से आपको दिख रही है कि ये रेडी हो चुकी है लगभग, मुझे लग रहा है। तो देखिए आराम से ये निकल जाता है, इस तरीके से मैं बास्केट में डाल लेती हूँ और ये मैं जल्दी चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे एकदम बिग साइज की कैरोट रेडी हुई है। तो देखिए आराम से निकल गई, ये देखिए इसके साथ छोटे वाली भी निकल गई, कोई बात नहीं। तो पूरा ये लीफ, तो जो मैं यहाँ पे रेडी मतलब हो चुका है उसी को मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। देखिए कर ली हूँ, बाकी छोटे छोटे हैं तो उसे मैं बाद में हार्वेस्ट करूँगी, देखती हूँ 1-2 दिन बाद। तो अभी इतना ही इनफ है मेरे लिए और इतना ही रेडी भी हुआ है। ये छोटी वाली कैरोट थी फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं मूली की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मूली है कि वो 1 से 1.5 महीने में ईजिली रेडी हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसे 1.5 महीने पहले एक मतलब इसे इसकी सीडलिंग की थी। अभी देखिए ये मूली बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं कि इसमें रूट्स भी आना शुरू हो गया है, मैं थोड़ी लेट भी हो गई हूँ। तो इसे मैं बास्केट में रख लेती हूँ। और भी है इधर, ये देखिए इधर एक मूली हमारी रेडी हो गई है एकदम। ये सब मूली और गाजर जितने भी रूट्स वाले वेजिटेबल होते हैं फ्रेंड्स, उसकी मिट्टी आप जो सॉइल है एकदम हल्की तैयार करें, तो जिससे क्या होंगे कि बहुत अच्छे से वो ग्रोथ करेगी। ये वाला भी रेडी हो चुका है, अब नहीं बढ़ेगा, रूट्स आ गया है, ये कुछ दिन और रहता है। इस तरीके से आज की हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। आप जैसा कि देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत सारे मतलब वेजिटेबल लगभग इतना काफ़ी है हमारे लिए 2-3 दिन के लिए, तो हो चुकी है कम्प्लीट। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैरोट की हार्वेस्टिंग की हूँ तो, और इसमें साथ मुझे कंपोस्ट भी रेडी मिल चुका है उसमें फ्रेंड। जब भी मैं पूरे कैरेट की जब हार्वेस्टिंग करूँगी उसके बाद आपको नीचे क्या मिलेगा, आप इस तरीके से जब हार्वेस्टिंग करोगे तो कैरेट आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी तैयार मिलेगा आपको साथ में। देखिए यहाँ पे मैं टोमेटोज वगैरह देखिए हार्वेस्ट की हूँ, बहुत सारे इधर भी हैं, झींगी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप भी अभी समर वाले वेजिटेबल की सीडलिंग कर चुके होंगे। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर से पूछिए, मैं आप सबको ज़रूर से बताऊंगी। और इस पर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि समर में कौन कौन सा वेजिटेबल आपको ग्रो करना है, टेरेस पे या फिर कहीं पे भी। ओके फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।